ईश्वर इसम दुनिया में मानव बनकर आए ताकि हम सभी ईश्वरीय बन सके। और प्रभु येसु का यह मिशन साधारण व सरल नहीं था, बल्कि ये कठिनाइयों से भरा था और हर मोड़ पर उन्हें संघर्ष इंतजार कर रहा था। वो जिनके लिए आए वे उनका विरोध करते रहे। हम पवित्र बाइबल के पन्नों में पलटते हैं तो यही हमें दिखाई देता, लेकिन वास्तव में मनुष्य सामने हमें दिखाई देता है, लेकिन प्रभु यीशु का विरोधी मनुष्य नहीं बल्कि शैतान। इसलिए प्रभु यीशु जो इनका विरोध करते थे उनके पीछे पड़े रहते थे, उनका विरोध करने के लिए नहीं, उनको हराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जीतने के लिए। ईश्वर उन्हें अवसर देते रहे, मौका देते रहे, उनके प्रश्नों का जवाब देते रहे और स्वयं प्रश्न पूछते रहे ताकि उन लोग कम से कम मन परिवर्तित होकर ईश्वर पर विश्वास कर सके, उन्हें पहचान सके। अहम ईश्वर के इस संघर्ष को, इस मिशन को जो आज भी जारी है, इस पर हम मनन करेंगे। हो सकता है वो हमारे जीवन में भी चल रहे हो। अहम इस संघर्ष को, हमारे जीवन में और दुनिया में होने वाले संघर्ष को समझने अपने आप को तैयार करें। आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल ले लीजिए और अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करिए, आराम से बैठे और इस सच्चाई को ध्यान में रखें कि आप, हम ईश्वर से बात करने आए, ईश्वर से मिलने आए, कोई मनुष्य से नहीं। इसलिए हमारी भावना में, हमारे अनुभव में, हमारे भाव भाव में, फीलिंग्स में ये सब प्रकट हो कि हम वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति में है। अपने आप को उनकी उपस्थिति में रखिए। कोई बड़े के सामने जब हम बैठ जाते हैं हमें वो एहसास होता है, हमारे हाव भाव, हमारे फीलिंग्स, हमारे शब्द ये सब प्रकट करते हैं कि हम पहचानते हैं कि सामने कौन है। यदि हम ईश्वर को पहचान रहे हैं तो हम में प्रकट होना चाहिए, वही हम अपने आप को उनकी उपस्थिति में रखें। आयम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं परम दयालु पिता, क्योंकि तू हम निरे मनुष्यों को जब हम तुझसे दूर और शैतान का साथ दिए तो हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है, क्योंकि तू हमें अपनी संतान बनाना चाहता है अपने पुत्र के द्वारा। हे परम पावन दयालु पिता, आज भी हम इस सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। हम बहुत बार शैतान का साथ देते हैं, तेरा साथ छोड़ देते हैं, हम तुझे अनजाने में ही हरा देते हैं। प्यारे पिता, उन सभी क्षणों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। आज इस संघर्ष को, इस युद्ध को समझने के लिए तू हमें बुलाया है। हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे विनती करते हैं, हमें कृपा दे कि हम इस साधना में हम पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित करके इस सच्चाई को हम समझने के लिए अपने आप को दे सके। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तू हमारे साथ रहता है, हमारे शरीर में निवास करता है, हमें कृपा दे कि हम आपके इस रहस्य को, इस वास्तविकता को हम समझ सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संघर्ष उन दिनों में यहूदी नेताओं के साथ तुझे सहना पड़ा, आज हमारे साथ भी वो संघर्ष तेरा जारी है, क्योंकि तू आज भी हमें जीतना चाहता है, अपनाना चाहता है, लेकिन बहुत बार हम इस प्रेम को समझे बिना हम शैतान का साथ देते हैं। प्रभु जी, हमें कृपा दीजिए, आज हम विशेष रूप से इस सच्चाई को तुझसे ही हम सीख सके और इस पर आधारित जीवन जीने की कृपा हमें मिले। एक हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ हम लिए हैं वो है संत लुकास रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 14-23 तक। ईसा ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अवधूतों के नायक बेलज़बूल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो
कि मैं बेलजबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उससे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आइए इस पाठ को अब कम से कम 2-3 बार आराम से जोर से पढ़िए, ताकि इसमें छुपी हुई बातें और रहस्य हम और भी बेहतर समझ सके। हम पहले चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। प्रारंभ में ही मैंने कहा था, एक संघर्ष हमें प्रभु येसु के जीवन में देखने को मिला। इस संघर्ष ईश्वरीय राज्य और शैतान के राज्य के बीच के, शैतान के राज्य को हराने के लिए ही ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आए थे। और हम जानते हैं मनुष्य शैतान नहीं है, आदम और हेवा शैतान नहीं थे, लेकिन शैतान ईर्ष्या के कारण मनुष्यों को गिराना चाहा, ईश्वर से उन्हें दूर करना चाहा और ईश्वर की योजना को नष्ट करके अपना राज्य यानी शैतान के राज्य को विस्तार करना चाहा। इसलिए शैतान अलग अलग रूप लेकर आदम और हेवा के पास गया, और आदम और हेवा ईश्वर का साथ छोड़कर शैतान पर विश्वास करके पाप किए। हो सकता है, हमें लग सकता है कि ये छोटी सी कहानी है, लेकिन आज भी वो जारी है। हम प्रभु येसु के जीवन को थोड़ा सा हम देख लें, उसमें शायद आप बेहतर समझेंगे। प्रभु येसु के बपतिस्मा के बाद हम देखते हैं कि आत्मा उन्हें निर्जन स्थान ले चला ताकि शैतान उनकी परीक्षा ले। वहां प्रभु येसु 40 दिन तक रहे, उपवास किए, अंत में परीक्षक यानी शैतान उनकी परीक्षा लेने आया। उनको हराने के लिए माने खेल शुरू होने के पहले ही उसको खत्म करने के लिए वो वहां पहुंच गया, लेकिन प्रभु येसु हार नहीं मानते। वहां उस संघर्ष को हम देख सकते हैं। उस घटना के अंत में सुसमाचार लेखक विशेष रूप से संत लूकस हमें बताते हैं कि वो एक निश्चित समय पर ज्यादा उपयुक्त समय के लिए वो प्रभु को छोड़कर चला गया, यानी वो वापस आता रहा। हमें प्रकट रूप से उसी समय पता चलता है, लेकिन अन्य समय में वो बार बार प्रभु के साथ चलता रहा वास्तव में, और कभी उनके विरोधियों के द्वारा जो विरोधी दिखाई देते थे, मतलब जो नेता थे, यहूदी नेता, शास्त्री, फारिसी, उनके माध्यम से शैतान बोलता था, और कभी कभी उनके प्रिय शिष्यों के द्वारा भी शैतान काम करता था। एक उदाहरण के लिए संत पेत्रुस के द्वारा, जब प्रभु येसु पूछे ये लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ, तो वो बताते हैं, तो प्रभु येसु पूछते हैं लेकिन तुम क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। संत पेत्रुस तुरंत बताते हैं आप मसीह हैं, और प्रभु येसु कहते हैं साइमन सिमियोन ये तूने नहीं बताया है, लेकिन मेरे पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन ये पिता का प्रकटीकरण है, पिता तुम पर प्रकट किए हैं, तुम्हें बताए हैं। और प्रभु येसु अपने शिष्यों को समझाने लगते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, मानव जाति की मुक्ति कैसे होगी, ये सब अपने शिष्यों को बताते रहे। तो तुरंत पेत्रुस क्या कहते हैं, प्रभु ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। प्रभु येसु क्या बोले, हट जा शैतान, हट जा शैतान। उसके कुछ क्षण पहले ही, कुछ मिनट पहले ही उनकी बधाई दिए, उनको शाबाशी दिए, और पिता की प्रेरणा से बोलने वाला कहे, कुछ मिनटों में ही वो शैतान की प्रेरणा से बोलने वाला बन गया। शैतान पेत्रुस के द्वारा वहां प्रभु के सामने उपस्थित हुआ। ये समय समय पर चलता रहा। क्रूस पर मरते समय में भी प्रभु येसु को इसका सामना करना पड़ा। लोग आकर, आखिरी मौका था शैतान को, ये प्रभु येसु को क्रूस पर मरने नहीं देना था। प्रभु येसु अपनी शक्ति वहां प्रकट करते हुए क्रूस पर नीचे उतर के आना था,
तब शैतान जीत जाता। इसलिए अंतिम क्षण में जैसे हम कोई जानवरों को भी देखते हैं, अन्य लोग भी तड़पते हैं ना अंतिम क्षण में, उसी प्रकार शैतान वहां तड़प रहा था। मुझे अभी हार से बचने के लिए हर संभव कोशिश करनी है कि ये नीचे उतर आए। उसके लिए वो संघर्ष किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन प्रभु उतर कर नहीं आए। इस संदर्भ में, इस बैकग्राउंड में आज के पाठ को आप देखिए, तब हम प्रभु के प्रेम को समझ पाए। अन्यथा बाहरी रूप से हम देखेंगे तो ये सब प्रभु के विरोधी थे, ये सब पीछे पड़े रहते थे, प्रभु भी उनसे नफरत करते थे। नहीं, प्रभु कभी भी उनसे नफरत नहीं की, उनसे गुस्सा करते थे जरूर। जब उन लोग गलती करते थे वो गुस्सा किए, लेकिन उनसे नफरत कभी नहीं किए। ईश्वर कभी भी किसी से भी नफरत नहीं कर सकते। आज के पाठ को इस संदर्भ से देखें, क्योंकि प्रभु जान देते कि शैतान उनके द्वारा काम कर रहा था, इसलिए वे उन्हें मौका देते रहते थे, नहीं तो वो उन्हें नजरअंदाज किए होते। प्रभु ये सोचे कि किसी भी तरह मैं इनको बचा लूं, किसी भी तरह, इसलिए उन्हें मौका देते गए, उनसे बातें करते गए। देखिए, प्रभु एक अवधूतग्रस्त व्यक्ति को चंगा करते हैं और उन लोग पहुंच जाते हैं। उन लोग पहले से वहां थे वास्तव में, और कुछ लोग बधाई देने लगे। और बुद्धिजीवियों के द्वारा शैतान बहुत ज्यादा काम करता है। आदम और हेवा से शैतान कैसे खेला, तुम्हें भलाई और बुराई का ज्ञान हो जाएगा ना, ज्ञान खतरनाक होती है वास्तव में। तो यहां ये लोग प्रभु के पीछे पड़े रहे, वे बोले कि ये तो बेलजबुल जो शैतान के राजा है, शैतान के राज्य के मुख्य है, राजा है, उसके द्वारा इन शैतानों को निकाल रहे हैं, अवधूतों को निकाल रहे हैं। तो वहां प्रभु उन पर गुस्सा करके उन्हें भगा नहीं देते हैं, चलो तुम लोग यहां से बाहर निकलो, मेरे पास मत आया करो, तुम लोग मेरे साथ क्यों चलते हो, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं बोलते, कहीं भी नहीं बोलते हैं। कभी भी हम प्रभु को किसी को भगाते हुए हम कभी नहीं देखते हैं, कभी भी नहीं। सुसमाचार में कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं है जहां प्रभु यीशु उनको अपने से दूर भगाए, कभी नहीं। प्रभु समझाने लगते हैं, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। तो जब उन लोग प्रभु पर ऐसे दोष लगाए कि आप तो शैतान की शक्ति से सब काम कर रहे हो, प्रभु इसे क्या करे। देखिए, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। देखिए कितने प्यार से समझाने लगते हैं, उन्हें कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, शैतान शैतान के विरुद्ध कार्य कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। समझो तुम इस बात को, मैं शैतान की ओर से काम नहीं कर रहा हूं, मैं शैतान की शक्ति से या उसकी प्रेरणा से कार्य नहीं कर रहा हूं। यदि तुम मुझ पर ऐसे आरोप लगाते रहोगे, मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा। तुम्हारे भाई बंधु जो तुम्हारे साथ हैं, जो शैतान को निकालते हैं जैसे मैं निकालता हूं, उन लोग तुम्हारा न्याय करेंगे, उन लोग बताएंगे कि मैं शैतान की शक्ति से करता हूं या ईश्वर की शक्ति। और वहां रुकते नहीं है, उसके आगे और ले जाते हैं, बताते हैं यदि मैं ईश्वर की शक्ति से इसको करता हूं, उसका मतलब है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, अभी भी मौका है तुम्हारा, विश्वास करो। और वहां भी नहीं रुकते हैं, दूसरा एक उदाहरण देते हैं। जब बलवान मनुष्य हथियार बांध कर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे, तो जिन हथियारों पर उससे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। फिर समझाने लगते हैं और वहां समाप्त नहीं करते, आगे और बोलते हैं, यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम मेरा विरोधी बन जाओगे, ऐसे मत करो मेरा साथ, ईश्वर का राज्य यहां तुम्हारे बीच में आ गया है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ चलना होगा। मेरा विरोध करके तुम वास्तव में शैतान के लिए कार्य कर रहे हो, ईश्वर के राज्य के विरोध कर रहे हो, तुम अनजान हो, समझो मेरी बात। देखिए कितने प्यार से, लेकिन जरूर वो तो कठोर शब्द भी प्रभु उनके लिए उपयोग करते थे, लेकिन यहां हम उनके प्रेम को भी देख सकते हैं, उनके दया को हम महसूस कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम किसी भी तरह मैं इनको बचा लूं, जैसे संत पौलुस भी यही बोले, मैं अपने आप को सबों के लिए सब कुछ बना दिया ताकि मैं किसी भी तरह कुछ लोगों को बचा सकूं। ये संत पौलुस कहां से सीखे, अपने गुरुवर से तो सीखे।
क्योंकि उनके गुरुवर यानी प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें भी तो वैसे ही बचाए। पौलुस भी तो उसी तरह ईश्वर के राज्य का विरोध करते थे, प्रभु यीशु उनको नष्ट नहीं किए बल्कि उन्हें सच्चाई बताए, उससे मिले, उसको सही राह पर लेके आए। पौलुस उस बात को समझे थे। थोड़ा सा हम अपने जीवन को देखें, हम किसका साथ देते हैं? आप प्रभु का साथ देते हैं या शैतान का साथ देते हैं? इन बहुत कम ऐसा होता है कि हम हमेशा शैतान के लिए काम करते हैं या हमेशा ईश्वर के लिए काम करते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण रखा था, पेत्रुस का भी उदाहरण दिया था, समय समय पर हम गिर जाते हैं, समय समय पर शैतान ट्रिक खेलता है। जैसे हम संतों की जीवनी में भी देखते हैं, अन्य रूप में भी, अन्य जगहों पर भी हम देख सकते हैं कि शैतान कभी कभी स्वर्गदूत का रूप लेकर भी आता है, क्योंकि वो किसी के द्वारा भी बोल सकता है, वैसा है वो, इसलिए खतरनाक है शैतान। जैसे हम सोचते हैं वैसे उतना एक साधारण एक शक्ति या व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु अंत में यही हमसे कहते हैं, जो मेरा साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ बटोरता नहीं है वो बिखेरता है। तो मेरा साथ हो या नहीं हो, हमारे जीवन के हर क्षण, हर पल, हर मोड़ पर हमें ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछते रहना है, क्या मैं प्रभु के साथ हूं, उनके राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर रहा हूं या शैतान का साथ दे रहा हूं? जब हम शैतान का साथ देते हैं उसका अर्थ यह है कि हम उस पर भरोसा रख रहे हैं। यदि हम शैतान पर भरोसा रख रहे हैं उसका मतलब है कि हम ईश्वर में कम भरोसा कर रहे हैं, जिसको हम बहुत बार समझ नहीं पाते हैं कि जब हम पाप करते हैं हम ईश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट बात है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमारी खुशी से खुश नहीं है। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो मैं खुशी का रास्ता ढूंढता हूं जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। लेकिन प्रभु कभी भी हमें त्यागते नहीं। आपने अनुभव किया कभी भी आपके जीवन में कि ईश्वर आपको त्याग दिए? बिल्कुल नहीं। लोग कभी कभी पाप स्वीकार करने आते हैं, बोलते हैं कि फादर मैं शादी के बाद अभी पाप स्वीकार करने आया हूं, लगभग 20-25 साल हो गए। ईश्वर कभी भी किसी को त्यागता नहीं है। क्रूस पर मरते समय उनके साथ जो क्रूस पर डाकू मर रहा था, अंतिम क्षण, अंतिम अवसर उसको बचने का, तब भी प्रभु उसको मौका दिए, तब भी उसको मौका दिए मन परिवर्तन का, वो स्वर्ग चुरा लिया। और जो उनको मार रहे थे उनके लिए भी प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जान दे कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जान दे कि ये शैतान का साथ दे रहे हैं, ये नहीं जान दे कि ये शैतान के कब्जे में है, ये नहीं जान दे कि शैतान की प्रेरणा से अपना जीवन जी रहे हैं। आज भी वह प्रभु आपसे और मुझसे यही कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो जाए फिर भी तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अंतिम क्षण तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, मैं कभी भी तुझे त्यागूंगा नहीं। तुम मुझसे नफरत करो, मुझे त्यागो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी त्याग नहीं सकता। मैं तुझे चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो सदा। कितना अद्भुत है प्रिय भाई और बहन, हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम। आइए इन बातों को अपने मन में, अपने दिल में संजोए रखें, थोड़ा सा समय दीजिए, मनन करिए अपने जीवन पर, थोड़ा सा इस मनन चिंतन को अपने दिल के अंदर जाने दीजिए। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में भी मैं बहुत बार तेरे कार्यों को समझ नहीं पाता, मैं भी उन फरिसियों के समान तुझसे चिन्ह मांगता रहता हूं। मैं कभी कभी ये भी शिकायत करता हूं कि ईश्वर मुझसे क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, मैं नहीं जानता हूं। कि प्रभु मुझे पता नहीं तो मुझे कैसे सहन करता, मुझे पता नहीं कि मैं इतना तुझे धोखा देने के बाद में भी तो मुझे त्यागता क्यों नहीं। हे प्रभु मुझे नम्रता का मनोभाव दे, एक नम्र हृदय, एक विश्वसनीय, विश्वास करने वाला एक हृदय, एक सरल मनोभाव मुझे दे, मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे तेरे पीछे पीछे चलने का, तुझ पर
पूर्ण रूप से निर्भर रहने का, भरोसा करने का। आज के इस पाठ के द्वारा तू मुझे पुनः बताता है, याद दिलाता है कि जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध है तुम्हारे और शैतान के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच, ज्योति और अंधकार के बीच। लेकिन मैं जीवन के होड़ में मैं इन सभी सच्चाइयों को भूल जाता हूं, मैं याद नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। लेकिन प्रभु मैं ऊपर ही ऊपर ऐसे जीवन नहीं जीना चाहता। प्रभु मुझे बचा, मुझे इस प्रकार के दिखावा से, बाहरी रूप से जो दिखावा करके मैं जी रहा हूं इससे मुझे बचा। मैं और भी गहरे रूप में जीना चाहता हूं, सच्चाइयों को जानकर उसके अनुसार उस पर आधारित मैं जीवन जीना चाहता हूं। मैं तेरे राज्य को जानना चाहता हूं, उसके विकास के लिए, उसके फैलाव के लिए मैं अपने आप को देना चाहता हूं। प्रभु मुझे बचा, मुझे कृपा दे, मुझे संभाल। आइए प्रिय भाई और बहन, उस समय आप, आपके मन में भी बहुत सारी भावनाएं विचार उठ रहे हैं, उन सबको आप प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, मुझ में धैर्य बहुत कम है, पेशेंस नहीं है मुझ में, मैं बहुत जल्दी हार जाता हूं। लेकिन मेरे प्रति तेरा धैर्य, तेरा पेशेंस असीम है। तू पवित्र संदूक में मेरे लिए हमेशा इंतजार करता है, तू मेरे लिए इंतजार करता रहता है हमेशा हमेशा, और तू अपने वचनों से, अपने शरीर और रक्त से मुझे पोषित करते रहता है। हे प्रभु, मेरे जीवन को भी तेरे जीवन के समान बना, तेरे जीवन से मुझे संचालित कर, तेरे आत्मा से मुझे संचालित कर, पवित्र आत्मा के गुणों से मुझे विभूषित कर, उनके फलों से मुझे विभूषित कर, ताकि मैं तेरे समान पिता की महिमा के लिए, पिता के राज्य के फैलाव के लिए मैं कार्य कर सकूं। आइए आप अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों को प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के चौथे चरण में पहुंचते हैं, निर्णय या संकल्प लेना। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज की इस साधना में कितने सारे निर्णय और संकल्प इससे प्रेरित हमें लेने की जरूरत है, बहुत सारे। अब थोड़ा सा समय लीजिए, अपनी डायरी में लिखिए, समय लीजिए, विशेष रूप से अपने जीवन में शैतान की प्रेरणा को, ईश्वरीय प्रेरणा को पहचानने का। दूसरा, हमेशा ईश्वर का साथ देने का। तीसरा, ईश्वरीय राज्य के फैलाव के लिए अपने आप को अर्पित करने का। और आगे भी हम बहुत सारा हम जोड़ते जा सकते हैं। दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए प्रयत्न करना, अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित करना, ईश्वर पर पूरा भरोसा करना, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपके मन में जो बातें उठ रही हैं, निर्णय संकल्प उठ रहे हैं, उन सबको अपने डायरी में लिखिए, और आज से ही आप इन्हें अपने जीवन में अमल करने, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पावन पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी। तू हमसे प्यार करता है, तू चाहता है कि हम सदैव तेरे राह पर चले, तू हमें कभी भी त्यागता नहीं है, तू हमेशा हमारे लिए इंतजार करता है। इसलिए तू अपने पुत्र को हमारे बीच में, हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमें कृपा दे कि हम तेरी योजना समझ सके और इस दुनियाई संघर्ष में हम तेरा साथ दे सके। ये पवित्र आत्मा ईश्वर, तू हमारे हृदय में, हमारे शरीर में निवास करता है। हमें कृपा दे कि हम सदैव तेरी प्रेरणा को हम पहचान सके और उसी के अनुसार प्रभु येसु के समान जी सके। हे प्रभु येसु क्रिस्त, हम उन सभी क्षणों के लिए तुझसे माफी मांगते हैं जब हम तुझे धोखा दिए। हम पेतरुस के समान, फरिसियों के समान शैतान का साथ देते रहे और उस कारण तुझे दुख दिए। उन सभी क्षणों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। हमें कृपा दे कि हमें बचाने में हम तेरा साथ दे सके, दूसरों को बचाने में हम तेरा साथ दे सके, बटोरने में, लोगों को एकत्र करने में, तेरे राज्य के फैलाव के लिए हम अपने आप को अर्पित कर सके। हे प्यारे पिता, विशेष रूप से यहां उपस्थित तेरी इन सभी संतानों को, इनके परिवार के प्रियजनों को,
विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। हम सभी तेरी प्रेरणा से प्रेरित होकर आधारित अपना जीवन जी सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए, ताकि हम लोग भी आप लोगों के समान ईश्वर का साथ दे सके और शैतान का विरोध कर सके, उसके राज्य को नष्ट कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ईश्वरीय राज्य के फैलाव के लिए प्रभु यीशु का साथ देते हुए दूसरों को भी प्रभु के राज्य में जोड़ते हुए इस आनंद के राह पर, मुक्ति के राह पर, इस संघर्ष में विजय राह पर आगे बढ़ने की कृपा ईश्वर आप सबों को प्रदान करें।